हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रदूषण। जैसे कि आपका एसएससी एमटीएस का पेपर आने वाला है, उसमें निबंध पूछा जाएगा और मुझे लगता है कि इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रदूषण के ऊपर निबंध पूछा जाए, क्योंकि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ओवर पॉपुलेशन से रिलेटेड एसए का टॉपिक था और यहाँ पे प्रदूषण आपका एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और एसएससी सीजीएल टीयर 3 में भी पूछा जा सकता है। अगर एमटीएस में आ गया तो सीजीएल में नहीं आएगा, वरना अगर एमटीएस में नहीं आया तो सीजीएल में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी लोग प्रदूषण से कहीं ना कहीं परेशान हैं। दिल्ली में स्थिति तो काफ़ी नाजुक बनी हुई है और जो लेवल होने चाहिए एयर पोल्यूशन के वो कहीं ज़्यादा हैं। तो प्रदूषण का टॉपिक मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से ये शेयर करता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास ये एसे आया था तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी अच्छा लिखा है और अगर आप इस तरीके से अपने एमटीएस एग्ज़ाम में लिखोगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो अगर हम बात करें, ऐसे तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है बॉडी और एक होता है कंक्लूजन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें होती हैं। इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ होता है, बॉडी में आपके तीन या चार पैराग्राफ बन सकते हैं, दो तीन चार, डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर लिख रहे हो, क्योंकि बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है आपका, उस हिसाब से बॉडी डिसाइड की जाती है। और एक होता है आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए एक पैराग्राफ। तो चार से पांच पैराग्राफ में आपको अपना पूरा एसे लिखना होता है। ठीक है, तो अगर हिंदी लैंग्वेज में बात की जाए तो जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है हम उसे कहते हैं प्रस्तावना, मेन बॉडी जो होती है उसे कहते हैं हम मुख्य भाग, और अगर हम बात करें कंक्लूजन को हम कहते हैं उपसंहार। ठीक, तो पूरा एसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको ये पसंद आए, और अगर सही चली चीज़ें तो हम आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। शुरू करता हूँ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना होगा, सबसे पहले एक तो डेफिनेशन देनी होगी कि प्रदूषण है क्या। उसके बाद हमें ये बताना होगा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और उसे कहीं ना कहीं हमें कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, इंडिया से। ठीक है, प्रदूषण वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है लेकिन हम इंडिया में हैं तो हमें इंडिया से भी उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी दिखानी पड़ेगी जिससे कि इंटरेस्ट डेवलप हो। तो शुरू करता हूँ, कोई अवांछनीय पर्यावरणीय परिवर्तन जो जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण नामक दानव आज विश्व भर को अपनी चपेट में लिए हुए है। मोटे तौर पर यह तीन प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण से होने वाली मृत्यु में भारत का प्रथम स्थान है। तो सबसे पहले ये बता दिया कि प्रदूषण होता क्या है, उसके बाद प्रदूषण के प्रकार बता दिए कि कितने प्रकार के प्रदूषण हमें जनरली देखने को मिलता है, जो मुख्य का प्रदूषण के टाइप्स हैं वो बता दिए, उसके बाद एक थोड़ा सा स्टैट्स, थोड़ा सा डेटा बता दिया जिससे कि कनेक्टिविटी बनी रहे, और उसे भारत से कनेक्ट कर दिया कि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण में होने वाली मृत्यु में भारत का प्रथम स्थान है। इसी तरह से जब आपको अलग तरीके के और एसे दिए जाएं, जैसे कि अगर हम बात करें करप्शन पे एक्से आता है आपके पास, तो करप्शन इंडेक्स होता है, तो आपको रैंकिंग बतानी होती है कि इंडिया की करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग क्या थी, प्रेजेंट किया पहले क्या थी और किस तरह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। हैप्पीनेस के ऊपर एसे आता है तो हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग, तो ये कुछ रैंकिंग्स आप एग्जाम में याद करके चले जाना। ठीक, तो कनेक्ट करने में आसानी रहती है और यही चीज़ें हैं जो आपको आम लोगों से ऊपर ले जाती हैं। कुछ ना कुछ आपको नया डालना पड़ेगा अपने एसे में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद मुख्य भाग स्टार्ट करते हैं, डेट इज मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो अब ये तो बता दिया कि हमने तीन प्रकार के प्रदूषण होते हैं, अब हमें ये भी बताना होगा कि प्रदूषण किस वजह से होता है, कारण क्या है प्रदूषण होने का, तो वो डिस्कस करते हैं। अनेक प्रकार की मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड के वायु में मिलकर वायु प्रदूषित करते हैं। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों एवं कचड़ों को जल में प्रवाहित करने से जल प्रदूषित होता है। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण एवं आधुनिक वाद्य यंत्रों के कारण होने वाला शोरगुल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या किया है, तीनों ही प्रदूषण के कारण बताए गए हैं, वायु प्रदूषण किस वजह से होता है, जल प्रदूषण किस वजह से होता है और ध्वनि प्रदूषण किस वजह से होता है। तो जब आप ये डिस्कस कर रहे हो तो आपको मेन कारण बताना होगा, क्योंकि आपको 250 वर्ड में लगभग पूरा का पूरा इससे लिखना होता है सीजीएल सीएचएसएल में, और एमटीएस में वर्ड लिमिट डिसाइड नहीं होती लेकिन लगभग इतने में ही लिखना होगा आपको। तो आप सिर्फ मुख्य कारण लिख सकते हो, वरना अगर आप के एग्जाम में ऐसे आए खाली वायु पोल्यूशन पे भी ऐसे आ सकता है, एयर पोल्यूशन पे पूरा ऐसे लिख सकते हो आप 250 वर्ड का। ठीक, और अगर यही चीज़ आपकी यूपीएससी एग्जाम में पूछी जाए तो आपको 1000 वर्ड में भी लिखना पड़ सकता है ये चीज़, तो डिपेंड करता है ये, है ना। तो यही है कि आपको लिमिटेड वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालनी होती हैं। तो यहाँ पे मुख्य कारण बता दिए तीनों तरह के पोल्यूशन के।
अब पोल्यूशन का कुछ कारण है तो इसकी वजह से परेशानी आ रही होगी, तभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम परेशानियां क्या हो रही हैं हमें इस वजह से कि प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है। एक तो स्टार्टिंग में बता देता कि प्रदूषण के कारण भारत में सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है। और परेशानियों की अगर हम बात करें, मानव शरीर पर प्रदूषण के असंख्य दुष्प्रभाव हैं। प्रदूषित वायु में सांस लेने से फेफड़ों का रोग होता है, प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारियां होती हैं, ध्वनि प्रदूषण से मानसिक तनाव, अनिद्रा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर कुछ कारण बता दिए कि क्या क्या दिक्कतें हमें प्रदूषण की वजह से हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और भी चीज़ें बताई जा सकती थी, जैसे कि बढ़ती हुई कैंसर की बीमारी, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रदूषण का हाथ हो सकता है, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन को भी यहाँ पे व्यक्त किया जा सकता था। बाकी ठीक है, इतना भी, बाकी थोड़ी और चीज़ें यहाँ पे ऐड की जाती परेशानियों में तो बेटर रहता, क्योंकि प्रदूषण से हम टैकल करने की बात कर रहे हैं तो परेशानियाँ बहुत हैं, तो थोड़ी और परेशानियाँ बताते तो अच्छा रहता। बाकी हम अब निवारण पे आते हैं कि किस तरह से जो पोल्यूशन है उसे कम किया जा सकता है। सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। दिल्ली जैसे शहरों में आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। आधुनिक युग में प्रदूषण समाप्त करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इस कार्य में सामाजिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हर आम जन को चाहिए कि वो कूड़ा कचरा जल में ना बहाए एवं ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि वायु प्रदूषण के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग दिल्ली छोड़ने की भी बात करते हैं। वैसे छोड़ता कोई नहीं है, लेकिन यस, जिसकी सुविधाएं होती हैं और 2-3 महीने के लिए कुछ लोग चले भी जाते हैं बाहर, जिनके रिसोर्सेज अच्छे होते हैं। तो दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है वायु प्रदूषण का, और बाकी आसपास के शहरों में भी कम बुरी हालात नहीं है। NCR में या फिर कानपुर जैसे शहरों में भी प्रॉब्लम है वायु पोल्यूशन की काफ़ी ज़्यादा। तो यही है कि यहाँ पे वायु प्रदूषण फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके लिए सरकार ही कुछ कदम उठाए तो बेहतर रहेगा। सरकार का एक्टिव रोल होना यहाँ पे ज़रूरी है। और जैसे आपको पता ही है, दिल्ली में ODI स्कीम्स चालू की जाती हैं और भी बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं, तो ये ज़रूरी हैं और सरकार इसमें और ज़्यादा योगदान अपना प्रोवाइड कर सकती है। बाकी ये तब तक ख़त्म नहीं होगी प्रॉब्लम जब तक आम जन इसमें पार्ट नहीं लेगा। जब तक इंडिविजुअल लेवल पे सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है, इस कार्य में सामाजिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, आपको इंडिविजुअल लेवल पे जाके ही इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। ठीक, तो इसके बारे में बताया है यहाँ पे कि किस तरीके से किया जाएगा। एक सरकार के लेवल पे बता दिया थोड़ा, और इंडिविजुअल लेवल पे भी बता दिया। डेट्स ऑल, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं बता सकते कि स्टेप्स ये स्टेप उठा लें सरकार। ठीक है, अगर आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हो तो 2-3 स्टेप्स आप बता भी देते कि सरकार को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन निवारण आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो तो आप थोड़ा सा जनरली क्लिक के चलोगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से लिखोगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है हमें। उसके बाद अगर हम बात करें उपसंहार, डेट इज कंक्लूजन, तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, प्रदूषण से निपटने के लिए अब तक कई सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं पर वे नाकाफी सिद्ध हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि जब तक आम जन समूह निजी स्तर पर प्रयास नहीं करता तब तक प्रदूषण से निपटना असंभव है। सरकार एवं आमजन के सामूहिक प्रयासों से हम हर साल लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, ओजोन परत को भी बचाया जा सकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम इस पृथ्वी को फिर से रहने लायक बना सकते हैं। डेट्स इट कंक्लूजन। ठीक है, यही कहा गया है कि अब तक जो सरकारों ने प्रयास किए हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहे हैं यहाँ पे, और अब हम सभी लोगों को मिलके कुछ ना कुछ करना होगा जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके और ओजोन परत को भी बचाया जा सकता है। अगर ओजोन लेयर ठीक होगी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी। ठीक है, ओजोन परत को बचाया जा सकता है अगर इसे अवॉइड भी कर लेते तो, मेरे ख्याल से कोई जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी नहीं था ये। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हम इस पृथ्वी को फिर से रहने योग्य बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में एक पॉजिटिव टोन से ख़त्म किया गया है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो अगेन हम इस समस्या से निपट सकते हैं और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना सकते हैं जिससे उन्हें कोई परेशानियां ना हो। तो एंडिंग थोड़ी और बेटर की जा सकती थी, लास्ट लाइन। बाकी काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और आप सभी लोग भी अपनी राय इस एस्से के बारे में दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जो लोग MTS
का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर नोट कर लें, वो आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा देगा और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। एक छोटा सा पॉइंट और है जो आप इस चीज़ में ऐड कर सकते हो, देश के 33% भूभाग पर जंगल होने चाहिए परंतु वर्तमान में 21.5% भूभाग पर ही हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो 33% लगभग होना चाहिए, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में है वो 21.5% है। तो ये एक फैक्ट है, फैक्ट के तौर पर आप लिख सकते हो। बाकी इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा, लेकिन हो क्या रहा है, बहुत ज़्यादा एफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अगर पेड़ पौधे लगाए जाएँ तो पोल्यूशन से निपटा जा सकता है, अच्छी प्लानिंग अगर हो तो प्रदूषण से निपटा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जब हम निवारण की बात कर रहे थे तो वहाँ पे एक लाइन ऐड की जा सकती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बनाए जाएँ, एरिया जंगल को दिया जाए जिससे कि प्रदूषण से निपटा जा सके। ठीक, तो डेट्स ऑल, इस एस्से में सिर्फ इतना ही था। फिलहाल आपसे यहीं विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।